नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का NCERT के लाइव फोन इन प्रोग्राम में। और मैं हूँ आपके साथ दिव्या। और हम जो लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट हमारा है साइंस और हम इसमें बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स की 12th क्लास से लिया गया एक टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पार्ट 3। इससे पहले भी इसके 2 पार्ट हो चुके हैं और लेकिन इस पार्ट में हम क्या कुछ जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मिस स्वीटी उज्जवल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दिव्या जी। इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अगर फिजिक्स से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न हो, आपकी कोई क्वेरी हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल आईडी के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है cit.kishormanch@gmail.com। देखिए, यहाँ भी बात नहीं होती है तो आप YouTube पर जाकर भी इस लाइव कार्यक्रम को देख सकते हैं, इस लाइव कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और इस लाइव कार्यक्रम के दौरान YouTube पर आप इस कार्यक्रम के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए आप YouTube पर जाकर NCERT ऑफिशियल टाइप करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं और लाइव कार्यक्रम के दौरान अपने सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। लगातार एक्सपर्ट बने हुए हैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है। जी स्वीटी। दिव्या, आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले थोड़ा सा जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, उसके बाद हम उससे जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे और अंत में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इससे पहले भी हम 2 लेक्चर कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि कैसे हम चार्ज को इंड्यूस कर सकते हैं या चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने जाना कि हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। इसके आगे आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो आइए थोड़ा सा इस बारे में हम जानते हैं। आप सब ने कूलम्स लॉ तो पढ़ा है, जिसमें हम ये कहते हैं कि आपका 2 चार्जेस के बीच का जो फोर्स है दैट इज कैलकुलेटेड बाई 1/4πε0 Q1Q2/r2। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास 2 चार्जेस होते हैं, एक होता है Q1, दूसरा होता है Q2। Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है और Q1 Q2 के ऊपर वापस फोर्स लगाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूटन का 3rd लॉ भी फुलफिल होता है। बट सवाल ये है कि अगर हम किसी एक चार्ज को वहां से हटा दें तो क्या होगा जी? क्या वहां पर अगर हम देखें तो क्या वैक्यूम रह जाएगा या क्या वो जगह खाली रह जाएगी? तो इस बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे जी। तो अगर मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले हम अगर डिफाइन करते हैं कि जो चार्जेस हैं, चार्जेस अपने आसपास जो भी स्पेस होता है उस स्पेस को मॉडिफाई कर देते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद उनकी जो सराउंडिंग है उसके अंदर थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। वो जो अपने आसपास की चीजों को मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने के बाद वो जो जगह होती है, वो जो सराउंडिंग्स होती हैं, उसमें हम कहते हैं कि जो आपका चार्ज था उसने अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप यहां पर कोई भी चार्ज करेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 2 चार्जेस आपस में इंटरैक्ट करेंगे। तो यहां पर आप ये सवाल कर सकते हैं, बच्चों को ये मन में आएगा कि ये फील्ड वर्ड क्या होता है। तो जो ये फील्ड वर्ड है इसको जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही रिलेट करें। फील्ड वर्ड जो है वो एक ऐसी चीज होती है जो कि डिस्टेंस के साथ या स्पेस के अंदर वैरी करती है। जरूरी नहीं है स्पेस के साथ, यानी कि XYZ के साथ, ये टाइम के साथ भी बदल सकती है। बट क्योंकि इस चैप्टर में हम स्टैटिक चीजों के बारे में या स्टैटिक चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंसिडर करेंगे दैट विल वैरी ओनली विद डिस्टेंस एंड नॉट विद टाइम। हाउएवर ये टाइम के साथ भी बदल सकता है, बट वो हम अगले कुछ आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखेंगे डिस्टेंस के साथ, ना कि टाइम के साथ जी। मैं अगर जानना चाहूं कि अगर हम बात करें टेस्ट चार्ज की, तो क्या टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज पर बल लगाता है?
इस बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। आपने अच्छा सवाल पूछा है दिव्या। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q और यहां पर एक चार्ज है Q नॉट। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो यहां पर Q है ये हमने फिक्स किया है। दिस Q इज फिक्स्ड एंड दिस Q नॉट कैन वैरी, और हम इसको कह सकते हैं टेस्ट चार्ज। हमने इसको टेस्ट चार्ज क्यों कहा? क्योंकि हम इस चार्ज के माध्यम से ये पता करना चाहते हैं कि ये जो हमारा दूसरा चार्ज यहां रखा हुआ है वो इसको कितना अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली ये वाला चार्ज अपने आसपास के फील्ड को मॉडिफाई कर रहा है, अपने आसपास की सराउंडिंग को मॉडिफाई कर रहा है, और ये अपने आसपास रखे हुए हर चार्ज पर फोर्स लगा रहा है थ्रू फील्ड। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है बट फिर भी ये चार्ज इस चार्ज को अफेक्ट कर सकता है। तो यहां पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, अभी तक हमने उसको विजुअलाइज नहीं किया है, बट यहां पर अगर हम मैथमेटिकली उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच का जो भी फोर्स है जो कि हमने पढ़ा है, हम निकाल सकते हैं बाय कूलम्स लॉ, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है, डिवाइडेड बाय दिस चार्ज क्यू नॉट। तो अगर मुझे ये पता करना है कि इस पॉइंट पी पर जहां पर हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस चार्ज की वजह से, तो इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे एज इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो हमने यहां पे रखा है। तो इधर से हम देख सकते हैं कि इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी न्यूटन, क्योंकि हमें पता है यूनिट निकालते समय हमें दोनों कंसिडर करने हैं, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। और नीचे क्या रखा हुआ है बच्चों? हमने नीचे रखा हुआ है चार्ज, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ये हमने पिछले चैप्टर्स में, पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि इसकी यूनिट होती है कूलम। तो जो यूनिट हो जाएगी दैट विल बी न्यूटन पर कूलम, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करें तो। अब क्या आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं? हाँ, मैं जानना चाह रही थी कि अगर हम टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं तो क्या ये नेगेटिव भी हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम टेस्ट चार्ज देखें तो इस टेस्ट चार्ज की जो साइन है वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में भी ये ख्याल आता है कि हमेशा बोला जाता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो क्या अगर हम इसको नेगेटिव ले लें तो क्या इस चार्ज की फील्ड पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इसका कोई डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा या इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ेगा? तो इस चीज का आंसर हम ऐसे कर सकते हैं, जैसा कि आप फॉर्मूले में देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन देम डिवाइडेड बाय द यूनिट चार्ज विच इज द टेस्ट चार्ज। यहां पर डायरेक्शन अगर देखें तो ये क्यू नॉट यानी कि ये टेस्ट चार्ज, इससे क्या होगा? ये बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों चार्ज कैसे हैं, एक जैसे हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हैं चाहे दोनों नेगेटिव हैं, तो कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। तो ये क्यू नॉट रिपेल हो जाएगा और इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा। अगर हम नेगेटिव ले लें तो क्या होगा? नेगेटिव लेने से ये जो फोर्स है, पहले पॉजिटिव था तो इधर लग रहा था क्योंकि रिपेल हो रहा है, लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाए तो अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि ये अनलाइक चार्जेस हो जाएगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए बच्चों? इनके बीच में होना चाहिए अट्रैक्शन। बट अगर पॉजिटिव है तो इस जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ फील्ड लगेगा, लेकिन अगर टेस्ट चार्ज हो गया नेगेटिव तो इस फॉर्मूले में हमें उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा होता है? ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो चाहे हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ले चाहे हम टेस्ट चार्ज नेगेटिव ले, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन है पॉइंट पी पर वो एक ही आएगा और वो होगा इस तरफ। तो अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो इधर आ जाएगा, और अगर टेस्ट चार्ज आपका नेगेटिव है तो फोर्स इधर होगा, लेकिन फोर्स के ऑपोजिट हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे। तो ये जो आपका साइन है टेस्ट चार्ज का ये इररिलेवेंट होता है। इररिलेवेंट इसलिए होता है क्योंकि हम तो अल्टीमेटली डील कर रहे हैं इस चार्ज के साथ, ये तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए लाया गया है।
तो टेस्ट चाहे कोई भी करे रिजल्ट तो सेम ही आना है. तो इसलिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव दोनों टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर हम टेस्ट चार्ज में बात करें ई के डायरेक्शन की, तो ई का डायरेक्शन अगर हम देखें तो वो किस साइड में होगा अगर प्रभार जो है उसका ऋणात्मक आ रहा है तो. चलिए ये हम अगला अगर देखें तो यहाँ पर मैं आपको फिर से वही चीज बताना चाहूंगी. अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं और यहाँ पर रखा हुआ है हमारा एक टेस्ट चार्ज, मान लेते हैं वो नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन चार्ज वेक्टर फॉर्म में. अगर ये क्यू नॉट पॉजिटिव है तो E और F होंगे सेम, E एंड F सेम डायरेक्शन में होंगे अगर ये कैसा है पॉजिटिव, और अगर ये हो गया नेगेटिव तो नेगेटिव होने की वजह से आपका E एंड F हो जाएंगे ऑपोजिट. तो इस तरीके से हम इस चार्ज के बारे में, टेस्ट चार्ज के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये होता है आपका इररिलेवेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ द चार्ज. तो यहाँ पे अगली जो स्लाइड है, अगर हम मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि टेस्ट चार्ज से मतलब कि किस प्रकार देखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और टेस्ट चार्ज, क्या डिपेंड करता है उस पर? बिल्कुल, यहाँ पे अभी जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट होता है टेस्ट चार्ज के, लेकिन जो ये सोर्स चार्ज है जो अभी हमने पढ़ा कैपिटल क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कैपिटल क्यू पर डिपेंड करेगा, क्यू नॉट पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है सिर्फ टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है. इसकी प्रॉपर्टी ही हम डिफाइन करते हैं, इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ डिपेंड करेगा इस चार्ज के ऊपर जिसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज. और इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, अगर हम कहीं दूर इसको देखना चाहते हैं फील्ड के स्ट्रेंथ को, तो वो कम हो जाएगा, और अगर हम इसको पास में देखना चाहते हैं, किसी पास वाले पॉइंट पर फील्ड देखना चाहते हैं, तो वो स्ट्रांग होगा. तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दूर जाने पर कम हो जाएगी, और अगर हम चार्ज के पास आएंगे तो फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर ये चार्ज यानी कि सोर्स चार्ज बड़ा होगा तो भी फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और अगर ये कम हो जाएगा तो फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा. जी, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उस एक्सिस के साथ मौजूद रहता है जहां पर हमारे टेस्ट चार्ज रखे होते हैं. ये बात हम ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि ये चार्ज पॉइंट चार्ज है और ये सब जगह फैला हुआ है, तो इसमें से अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज रखती हूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर आपका फील्ड होगा. अगर ये मेरा सोर्स चार्ज है, यहाँ पे मेरा पॉइंट है, तो इसमें और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सारी तरफ फैला हुआ है. ये स्फेरिकल सिमेट्री होती है हर पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, लेकिन अब पेज पर दिखाने पर हम सिर्फ उसको टू डायमेंशनल दिखा सकते हैं, बट अगर हम इसको विजुअलाइज करें स्पेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है, तो उसमें जो इफेक्ट है वो सारी डायरेक्शन में बराबर होगा, और सब जगह जो उसका इफेक्ट होगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर वो सेम होगा, चाहे आप उसे एक्स एक्सिस के अलोंग ले, चाहे वाई के अलोंग ले, चाहे जेड के अलोंग ले. तो सिर्फ उस एक्सिस पर नहीं, सारी डायरेक्शन में होता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम उसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे उसको ऐसे समझ सकते हैं. जी, कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना चाह रही हैं? बिल्कुल, आगे हम देखते हैं कि अगर थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजें देखें, तो हमें कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिफाइन करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. तो पिछले वाले में मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. और इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, और यहां पर ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिया है. अगली स्लाइड में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बनाई, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. यूनिट भी हमने डिस्कस किया कि यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स और चार्ज का रेशियो है. और उसके बाद तीसरे पॉइंट पर अगर हम आए, तो ये क्लास 11th में हमने सीखा है कि अगर हमें किसी का भी फॉर्मूला पता है तो हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी इजिली
कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फोर्स का होता है MLT-2, ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिस ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, फोर्स की यूनिट होती है या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2, और जो चार्ज है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए इंटू टी। ये टी अब ऊपर जाएगा तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं एन एज इट इज, एल एज इट इज। ये टी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और -2 पहले से मौजूद है तो -3, और ये ए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो इस तरीके से हम ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे की पॉइंट देखते हैं हम स्लाइड के अंदर। ये हम अभी डिस्कस किया हमने कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेस्ट चार्ज के, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डिपेंड करेगा किसके लिए, पॉइंट के लिए कि कितना दूर है या कितना पास है। और मैंने आपको बताया कि स्फीयर, अगर मतलब पॉइंट चार्ज की बात करें तो उसके अंदर होते हैं स्फेरिकल सिमेट्री, तो सारे सरफेस पर जो भी फील्ड होगा वो सेम होगा। अब यहां पर तो हमने बात की कि किस तरीके से हम उसको फॉर्मूला लिख सकते हैं या किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर आपको एक पॉइंट चार्ज दिया है और फिर आप उसको कैलकुलेट करके बताना चाहते हो, अभी तो हमने बताया कि हाँ फील्ड एग्जिस्ट करता है, कितना करता है ये तो हम एग्जैक्ट वैल्यू तो फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम यहां पर फॉर्मूले की हेल्प से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर कैसे वैरी करता है। तो यहां पर ये हम स्लाइड की हेल्प से देखते हैं जी। जैसा कि मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो जो दो चार्जेस के बीच की फोर्स है वो होगी 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दिस आर कैप रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब जो फोर्स है उसका फॉर्मूला हमने कूलम्स लॉ से निकाल दिया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसमें पुट किया, तो ये बन गया F/Q। F कितना है हमारा, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 1/4πε0 Q × Q/r² और इसको डिवाइड कर दे अगर हम चार्ज से, चार्ज कौन सा, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, बच्चों कौन सा होना चाहिए। बिल्कुल सही, यहां पर जो चार्ज है वो होना चाहिए स्मॉल क्यू, क्योंकि कैपिटल क्यू क्या है सोर्स चार्ज और स्मॉल क्यू क्या है हमारा टेस्ट चार्ज, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज विल बी 1/4πε0 Q³/r² एंड उसको डिवाइड किया स्मॉल क्यू से, तो बन गया आपका नेक्स्ट लाइन जो मैं यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q × Q/r² डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू, तो वो स्मॉल क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और आर वेक्टर से आप देख पाएंगे कि ये जो आपका डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज कैसा लिया था, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पर कंसिडर किया था। तो अगर बच्चों हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो हम इसमें आगे की स्लाइड में देखते हैं। जी, ये जो ग्राफ है इसमें आप देख पा रहे हैं कि E और R का हमने ग्राफ ड्रॉ किया था इस फॉर्मूले से, अभी हमने लिखा 1/4πε0 Q × Q/r², तो अगला सवाल है कि E और R का ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो E और R में अगर हम देखें तो रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, तो 1/r², तो जो ग्राफ हमने बनाया है वो 1/r² का होता है और इस ग्राफ को हम हाइपरबोला भी कहते हैं। सो ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस of the point from the charge is hyperbola as we can see on the screen। अब आप अगले सवाल में ये पूछ सकते हो कि मान लीजिए हमने तो कहा कि एक चार्ज की वजह से है 1/4πε0 Q/r², लेकिन अगर सिस्टम में, सिस्टम तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक ही चार्ज आपको मिलेगा, हो सकता है वहां पर एक से ज्यादा भी चार्जेस रखे हूं, तो अब हमें हो गई है कंफ्यूजन, अब हम क्या करें। तो ये बड़ा ही सिंपल है और हमने फील्ड फोर्सेस के बारे में भी पढ़ा है
कि अगर किसी जगह पर मोर देन वन चार्ज रखा हुआ है तो आप उसके बीच किसी भी जगह पर जो फोर्स है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, वो सबको सम करके बता देता है कि इतना नेट फोर्स या इतना नेट फील्ड होना चाहिए किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा जो भी हमने चीजें सीखी है उसको हम थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं, और आप लोग भी साथ में अप्लाई करिए, थोड़ा देखिए कि किस तरीके से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या उसका वैल्यू किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल मैं दे रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको समझ में आया है तो आप इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, सवाल ये है कि एक एक्सिस के अलोंग यहां पर मैंने रखा है एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर मैंने रखा है एक प्रोटॉन। यहां पे क्या रखा है बच्चों, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन और यहां पर क्या रखा हुआ है, एक प्रोटॉन। ये हम सभी को पता है कि प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव। तो मैंने यहां पे दो पॉइंट कंसिडर किए हैं, एक ए पॉइंट है और एक मेरा बी पॉइंट है। सवाल ये है बच्चों आपके लिए कि इस अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। मैं रिपीट कर देती हूं अपना सवाल। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो पॉइंट ए है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, और मैंने आपको अभी अभी बताया कि कहीं पर भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप उस जगह पे क्या रखा हुआ मानेंगे, कि वहां पर क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वहां रखा हुआ है। तो हमने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहां पर क्या रखा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है, उसकी डायरेक्शन। तो हम ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या वो अट्रैक्टिव होगी या वो रिपल्सिव होगी। तो आई एम श्योर सभी बच्चे इसको सही गेस कर रहे हैं, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये बेचारा इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होके इस तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये अट्रैक्ट होके इधर चला गया, टेस्ट चार्ज हमारा कैसा था, पॉजिटिव, तो इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूं, पॉइंट ए पर हमें कैलकुलेट करना था फील्ड, सिर्फ किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से कैलकुलेट करना था, और यहां पर पॉजिटिव रखने की वजह से ये पॉजिटिव अट्रैक्ट हो गया इस तरफ क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था। तो जिस तरफ फोर्स लगेगी उसी तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जी। अब सवाल, दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं पॉइंट बी कंसिडर करूं, अगर मैं यहां पर पॉइंट बी कंसिडर करूं, इस पॉइंट बी पर दोनों की वजह से, अभी तक हमने सिर्फ कैलकुलेट किया सिंगल चार्ज की वजह से, अब मेरा सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन भी रखा है, प्रोटॉन भी रखा है, पॉइंट हमारा यहां बीच में है दोनों के, तो इस पॉइंट बी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ। तो यहां पर फिर से हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि हमने इस पॉइंट पर क्या रखा है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से अट्रैक्ट होगा या रिपेल। बच्चों सही, ये पॉजिटिव है, प्रोटॉन भी हमने कहा पॉजिटिव होता है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो ये टेस्ट चार्ज बेचारा इससे दूर भाग जाएगा और इस तरफ चला जाएगा, लेकिन यहां कौन बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज कौन सा रखता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा इस टेस्ट चार्ज को, तो ये तो बेचारा दोनों बारी से इधर चला गया। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर देखूं तो इस पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी? टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने भी रिपेल किया है और इसने अट्रैक्ट किया है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट बी पर। बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं कि जैसे ही उन्होंने देखा कि एक बराबर नेगेटिव और बराबर पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, तो सेंटर में जो फील्ड है या सेंटर में जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। तो ये इस बात का बच्चों को यहाँ खास ध्यान रखना है कि अगर दोनों एक जैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे और बराबर होंगे, तो ही यहाँ पर फील्ड जीरो होगा जी। अगर नेचर इनका ऑपोजिट है तो सेंटर में या इस पूरे लाइन में यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। आपने बोला बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सेंटर में चार्ज देखकर, तो क्या कुछ ऐसी वजह रहती है जो बच्चों को के लिए कंफ्यूजन बनती है या फिर बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करती है? यहाँ पर बस कंफ्यूजन इतना होता है कि क्योंकि बराबर जब बच्चे देखते हैं कि अच्छा ये चार्ज तो बराबर है, उनके साइन को नहीं देखते हैं, उस साइन को सॉल्व करते समय भूल जाते हैं, तो क्योंकि यहाँ साइन ऑपोजिट है तो इसीलिए इस पूरी लाइन पर कभी भी फोर्स या फील्ड जीरो नहीं होगी। तो कंफ्यूजन तब आ जाता है जब उनको लगता है कि अरे ये तो दोनों बराबर चार्ज रखे हुए हैं तो दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा तब होगा अगर ये दोनों एक जैसे होंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तब जाके सेंटर में फील्ड और फोर्स दोनों जीरो होंगे। तो ये तो यहाँ पे बात रही एक बहुत ही सिंपल सी जिसमें हमने डायरेक्शन कैलकुलेट की है, बट बच्चों के लिए मेरे पास एक सवाल है जिसको हम साथ में मिलके सॉल्व करेंगे और उसको हम स्लाइड की हेल्प से यहाँ देखते हैं। और ये सवाल मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही उठाया है, तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए एक बार सवाल थोड़ा दोहरा देती हूँ। सवाल हमारा ये है कि दो चार्ज हैं, एक 3 कूलम्ब है और एक -3 माइक्रो कूलम्ब है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। कहाँ रखे हुए हैं बच्चों चार्जेस? वैक्यूम के अंदर रखे हुए हैं। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड दो सवाल है। पहला सवाल है कि जैसा अभी हमने सॉल्व किया कि मिड पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दूसरा सवाल है कि अगर हम नेगेटिव चार्ज रख दें सेंटर में तो उस नेगेटिव चार्ज पर कितना फोर्स कितना फोर्स वहां पर लगेगा, या वो रखा हुआ चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बच्चों मैं आपको कुछ समय दे रही हूँ थोड़ा सा, आप एक बार सवाल को फिर से पढ़ लीजिए और फिर हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे, और एक बार आप खुद भी घर पे ट्राई करेंगे सेशन खत्म होने के बाद उसको सॉल्व करने का। ये एनसीईआरटी से ही ली गई प्रॉब्लम है, बैक एक्सरसाइज से जी। तब तक बच्चे पढ़ रहे हैं, तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा उनकी हेल्प के लिए एक यहाँ पर बना देते हैं, थोड़ा सा उनके लिए आसान हो जाएगा अगर वो साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आप देख पाएंगे कि मैंने दो चार्जेस बनाए हैं 3 माइक्रो कूलम्ब और -3 माइक्रो कूलम्ब, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। सवाल हमारा ये है कि ये पॉइंट है हमारा O, इस पॉइंट O पर हमें बताना है फील्ड कितना होगा दोनों चार्जेस की वजह से। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, फिर से मैं बता देती हूँ, जहां पर भी आपको फील्ड कैलकुलेट करना है वहां पर हम क्या चार्ज मानेंगे? हम मानेंगे वहां एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर जहां फोर्स लगेगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी, और इसीलिए मैंने आपको शुरू में भी ये चीज समझाई कि नेगेटिव लेने से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव में एज इट इज जहां फोर्स आएगी वहीं फील्ड का डायरेक्शन होगा, इसलिए हम कन्वीनियंस के लिए इसको पॉजिटिव चूज करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या माना है हमने? पॉजिटिव चार्ज माना है। ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो कैसी होगी? अट्रैक्टिव। तो ये अट्रैक्ट होके पहुंच जाएगा इस तरफ। ये बिल्कुल आप वैसा ही सिस्टम समझ सकते हो कि ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब साइन के हिसाब से। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो दोनों आ गए इस तरफ, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी, ये भी सपोज ई है, ये भी सपोज ई है, तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ई। ये क्लास 11th में बच्चे पढ़ चुके हैं कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम उनको
ऐड कर लेते हैं. तो इधर हम पुट करेंगे वैल्यूज. टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, 1/4πε0 चार्ज इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो चार्ज हमारा कितना है, 3 μC, दिस इज -6 डिवाइडेड बाई इस टेस्ट चार्ज में जहां पर हम टेस्ट कर रहे हैं. डिस्टेंस कितना हो गया, आधा हो जाएगा 10 cm, क्योंकि ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये बराबर डिस्टेंस हो जाएगा. सो दिस विल बी 10, बट कन्वर्ट करना ना भूले बच्चे, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम इसको स्क्वायर करेंगे और इसको कन्वर्ट भी करेंगे. तो इस तरीके से आप ई नेट फाइंड आउट कर सकते हो. तो ई नेट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 × 1/4πε0 कितना होता है 9 × 10⁻⁹, ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁶, और यहां पर हो जाएगा 10⁻². ऊपर जाएंगे इसको बच्चे, ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि इसका फाइनल आंसर आप निकाल के चेक करेंगे कितना होगा. इसी में एक और सवाल हमने, सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था, सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है, ये बच्चे वर्ड भूल जाते हैं, नेगेटिव यहाँ लिखा हुआ है, नेगेटिव ऑफ 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, तो बताइए कि इसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स ऑन दिस चार्ज. तो फोर्स बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स बाय चार्ज. चार्ज कितना है, -1.5 × 10⁻⁹, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने कैलकुलेट किया था. तो इस तरीके से हम यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं जी. तो क्या बच्चे आप ये यहाँ पे डायरेक्शन को समझ पाएंगे जी? डायरेक्शन को कैसे समझे, देखो अभी दिव्या आप ही का सवाल आ गया है कि मैम अगर नेगेटिव होता तो हम क्या करते. तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया है, अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ था, अभी जो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो तो इस तरफ था, राइट साइड नेगेटिव चार्ज की तरफ, और ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव. तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो उसके ऑपोजिट लग जाएगी. तो यहाँ पर इस पर जो फोर्स होगी दैट विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स राइट. एंड क्या रीजन है इसका अलग होने का, टेस्ट चार्ज पर साइन कैसा है, नेगेटिव है, इस वजह से ये और ये ऑपोजिट हो गए, वरना अगर ये पॉजिटिव होता तो ये भी इसी तरह फोर्स एक्सपीरियंस करता. जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर की जो लंबाई होती है उसका परिमाण, मतलब कि उसका परिमाण बताती है, वेक्टर की लंबाई उसका परिमाण बताती है, तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए भी ऐसा कह सकते हैं? ये चीज हम कह सकते हैं, और इसको हमें समझने के लिए जाना होगा एक दूसरे थोड़े पिक्टोरियल या थोड़े डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि हम फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम आएंगे आपके सवाल पर जिसका हम उत्तर देंगे. तो माइकल फैराडे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार, एक्चुअली उनका मैथ्स थोड़ा वीक था, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना बिना मैथ्स के ही हम इसको समझ लें. तो विदाउट मैथ्स उन्होंने विजुअलाइज करने की कोशिश की कि किसी भी जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिना मैथ्स लगाए हम कैसे उसको इमेजिन कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिन करने का एक तरीका है कि उस जगह पर जो फील्ड है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ऐसा कुछ नहीं कि आपको ऐसे चार्ज से निकलती हुई लाइंस दिखेंगी, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये हमने सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए ऐसा लिया है. तो ये होती है आपकी इमेजिनरी लाइंस, किसी भी रीजन में हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है, कोई भी कर्व हो सकता है, किसी भी रीजन में हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर मुझे ये पता करना हो कि पॉइंट पी पर जो डायरेक्शन है फील्ड की वो क्या होनी चाहिए, तो हम एक सिंपल सा काम करेंगे, हम इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे. तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, कर्व का डायरेक्शन मैंने ऐसे बनाया, कर्व एक्चुअली होता है वो रास्ता जो उस जगह पर पॉजिटिव चार्ज ने फॉलो किया है. तो ये जो आपका कर्व है ये शो करता है पाथ ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. तो किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है तो मैंने वहां क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है.
मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और मुझे पता चल गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। सिमिलरली अगर मुझे पॉइंट आर पर पता करना है तो फिर से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और कर्व की डायरेक्शन में ही एरो लगा दिया और देखा कि आर पॉइंट पर जो फील्ड है उसका डायरेक्शन होगा राइट की तरफ। आगे हम थोड़ा और देखते हैं फील्ड लाइंस के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ बच्चे क्लास टेंथ में भी पढ़ चुके हैं। क्लास टेंथ में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव के अंदर, और जो भी चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से उसके अंदर से लाइन ओरिजिनेट या टर्मिनेट करेंगी। मतलब अगर चार्ज बड़ा है, हाई मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो उसमें से जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्राउडेड होंगी, लेकिन अगर आपका फील्ड वीक है तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो उतनी क्राउडेड नहीं होंगी। यहां पर ये आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपकी किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं, बहुत पास पास हैं, तो फील्ड वहां कैसा है, स्ट्रांग है। लेकिन आप अगर इसको थोड़ा और आगे जाके देखें तो ये फील्ड लाइंस के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती ही जा रही है, उनके बीच में गैप आता जा रहा है। तो अगर दो फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है तो मतलब उस जगह का फील्ड कैसा है, उस जगह का फील्ड वीक है। और जो अगर आपकी जैसे हम यहाँ पे थोड़ा बिल्कुल पास में देखें सरफेस के, तो फील्ड लाइंस काफी क्लोज है एक दूसरे के, तो क्लोज होने का मतलब है वहां कैसा फील्ड है, स्ट्रांग फील्ड है। और ये हम मैथमेटिकली भी पढ़ चुके हैं कि ज्यादा डिस्टेंस होने से फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर के अगर आसपास फील्ड लाइंस है तो उसके अंदर से नहीं जाएंगी, सिर्फ यहां से एंटर करेंगी और यहां से बाहर निकल जाएंगी, आप उसको अंदर से पास होते हुए नहीं देखोगे। वैसे भी इमेजिनरी लाइंस ही है, लेकिन फिर भी जब हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो ये अंदर से कभी भी पास नहीं होंगी, सिर्फ बाहर से होंगी। एक और चीज बच्चों आपको यहां ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी फील्ड लाइंस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। All the electric field lines must be perpendicular to the surface. मान लीजिए मेरी ये surface है, यहाँ पे charge रखा हुआ है, तो जो field lines अगर यहाँ से originate करेंगी तो वो इसके perpendicular होनी चाहिए। ऐसे tilted हम नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते। जो भी field line है अगर ये surface है तो इसमें से field lines ऐसे होनी चाहिए या ऐसे perpendicular होनी चाहिए। कभी भी आप उसको किसी एंगल पर ऐसे या ऐसे शो नहीं करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन गलत होगा। इट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस फ्रॉम वेयर दे आर ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इनटू। थोड़ा और आगे देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हमें यहां पर देखना है कि अगर कोई रीजन है वहां चार्ज नहीं है तो हम वहां पर कंटिन्यूअस कर्व्स बना सकते हैं बिना किसी ब्रेक के। अगला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में टर्मिनेट होंगी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वापस नेगेटिव से पॉजिटिव में चली गई। ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर सकती हैं, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये आप क्लास टेंथ में भी पढ़ चुके हैं बच्चों कि दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं या नहीं, तो इसका रीजन आप पहले ही पढ़ चुके हो कि कभी भी इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि इंटरसेक्शन के पॉइंट पर दो डायरेक्शन बन जाएंगी, जो कि मैंने अगली स्लाइड में बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जैसे यहां पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है, जैसे दो कर्व है, वन और टू, ये दो फील्ड लाइंस है, तो हमने इंटरसेक्शन देखा तो दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए। दोनों टेंजेंट आप देख सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट तो एक है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो है, तो ये चीज गलत हो जाएगी, ये जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है और हमारे सारे लॉज फेल हो जाएंगे, तो इसलिए इंटरसेक्शन हम यहां पर नहीं मानेंगे। चलिए बच्चों,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैंने आपको बताई अभी थोड़ा समझाया उसके बारे में, तो आपके लिए एक एनसीईआरटी की ही अगली एक सैंपल प्रॉब्लम है। सैंपल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स लिए हैं एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज से, और आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर मैंने पहला डायग्राम जो बनाया है उसमें लिखा हुआ है कंडक्टर, और कंडक्टर के बाहर चार्ज कौन सा दिख रहा है, पॉजिटिव, और कुछ एरोज हम देख पा रहे हैं। तो ये जो एरोज हैं इसमें कुछ टेढ़े बने हुए हैं, कुछ सीधे बने हुए हैं, कुछ टिल्टेड हैं, तो ऐसे अलग अलग तरह के बने हुए हैं। तो क्या हम इसमें ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्या कर सकते हैं कि जो आपका ये वाली फील पैटर्न है क्या वो सही है, क्या हम इस चीज को मान सकते हैं कि ये जो बना हुआ है वो सही है। तो ये मैंने आपको अभी प्रॉपर्टीज में समझाया कि जो भी आपकी सरफेस है उसके 90 डिग्री पर होना चाहिए, बट ये तो टिल्टेड एरोज बने हुए हैं, दैट मींस ये सही नहीं है। अगला वाला भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो पॉजिटिव है पॉजिटिव में से निकल के टर्मिनेट हो गया नेगेटिव में, लेकिन फिर नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में टर्मिनेट हुआ, तो ये तो आपका सही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव से कभी भी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट नहीं करती हैं, सिर्फ पॉजिटिव से करेंगी और नेगेटिव में टर्मिनेट होंगी, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बेसिकली सवाल ये कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये डायग्राम सही है या गलत है। तो अगले वाले में मैंने कुछ और डायग्राम्स बनाए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो हम आगे का देखते हैं। अब आप थर्ड इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि दो लाइंस ना इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे आपस में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है बच्चों? तो आंसर है नहीं, इंटरसेक्शन तो होता ही नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। और लास्ट वाला जो डायग्राम है उसमें सर्कल सर्कल बने हुए हैं बीच में, फील्ड लाइंस के सर्कल बनने का मतलब है कि क्लोज लूप बन रहा है, लेकिन हमने तो अभी कहा कि कंजर्वेटिव नेचर होने से जो क्लोज लूप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं बनते हैं। अब हम पैटर्न देख लेते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर रही थी कि जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज है उसमें से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, इसीलिए एरो बाहर की तरफ लगा हुआ है। तो एक पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइंस निकलती हैं और आप देख पा रहे हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। अगले वाली स्लाइड में अगर हम देखें तो चार्ज कैसा है, नेगेटिव। पैटर्न सेम रहेगा लेकिन फर्क कहां पर आएगा, जो एरोज है वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के अंदर आकर खत्म होती है, यानी कि टर्मिनेट करती है। तो ये उस पॉइंट से ही रिलेटेड है। अब अगर हमारे पास दो बराबर चार्ज हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव है चाहे दोनों नेगेटिव है, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, हम सबको पता है कैसे इंटरैक्ट करेंगे, रिपल्सिव फोर्स की हेल्प से। तो इसीलिए सेंटर वाले पॉइंट पर फील्ड कैसा हो जाएगा, जीरो, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होते तो क्या जीरो था बीच में? अभी हमने सॉल्व किया जीरो नहीं था, जीरो होगा अगर दोनों एक जैसे होंगे। तो इसलिए यहां पर हम ये कुछ पैटर्न हमने देखे और फील्ड लाइंस इस तरीके से होते हैं। ये लास्ट स्लाइड है जिसमें ये बहुत बार बोर्ड में भी सवाल पूछा गया है, सीबीएसई एग्जाम में भी पूछा गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर प्लेट है, तो ये किस तरह का पैटर्न शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किस तरह से डायरेक्शन होगा, ये हमने यहाँ देखा जी। ये लास्ट यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड में पैरेलल लाइंस होती है, तो ये हम यहाँ पर फील्ड लाइंस को देखेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है और पैरेलल है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म फील्ड जी। मिस स्वीटी, इतनी सारी जानकारी देने के लिए, भरपूर ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में आने के लिए, मार्गदर्शन के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। किशोर मंच पर लगातार लाइव कार्यक्रम का सिलसिला जारी है। बाकी के विषयों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे किशोर मंच, बने रहे किशोर मंच के साथ। लेकिन अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।